फाइनली दोस्तों एंड्रॉइड 10 का अपडेट MIUI 3 में मिलना स्टार्ट हो चुका है। काफी दिन के इंतजार के बाद कई सारे यूजर्स को एंड्रॉइड 10 का जो अपडेट है MIUI 3 में फिर से मिलना शुरू हो चुका है। जिनको अभी तक एंड्रॉइड 10 का अपडेट नहीं मिला था उन्हें भी ये अपडेट मिलना शुरू हो चुका है, और जिन्होंने एंड्रॉइड 10 का अपडेट कर लिया था उन्हें भी फिर से एंड्रॉइड 10 का ये जो अपडेट है वो मिल रहा है। मैंने भी मेरे फोन में पहले ही यानी फेब्रुआरी में ही एंड्रॉइड 10 का अपडेट कर लिया था, और उसके बाद जो नोटिफिकेशन मिल रही थी उसमें तो अपडेट नहीं हो रहा था, लेकिन आज जो नोटिफिकेशन मिली उसमें फिर से एंड्रॉइड 10 का अपडेट दे दिया गया। 1.33 GB का बड़ा मेजर अपडेट मिल चुका एंड्रॉइड 10 अपडेट, ये जो पहले किया था उसके ऊपर और एक एंड्रॉइड 10 का अपडेट मैंने कर लिया, और इस फोन में क्या नया देखने को मिला यही आज हम बात करेंगे इस वीडियो में। जिनका फोन पहले एंड्रॉइड 9.5 पे रन करता था और जिन्होंने एंड्रॉइड 10 अपडेट कर लिया है उन्हें काफी सारे चेंजेस देखने को मिल जाएंगे, लेकिन मेरा फोन तो पहले ही एंड्रॉइड 10 पे चल रहा था और आज जो अपडेट किया मैंने मुझे क्या चेंजेस देखने को मिले हैं वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे बड़ा चेंज, सबसे बड़ा बग जो कि फिंगरप्रिंट सेंसर का आ रहा था, तो फिंगरप्रिंट सेंसर का आप देख सकते हो यहाँ पर अभी भी आइकन देखने को नहीं मिलेगा। जब भी आप फोन को उठा लेते हो तो यहाँ पर जो आइकन शो होना चाहिए वो अभी भी इस अपडेट में नहीं देखने को मिल रहा है। ये जो अपडेट है इसमें हमें नया सिक्योरिटी अपडेट भी मिल चुका है जो कि है अप्रैल 5 का सिक्योरिटी अपडेट, लेकिन फिंगरप्रिंट का जो प्रॉब्लम है वैसा ही है। अभी भी आपको यहाँ पर फिंगरप्रिंट का आइकन देखने को नहीं मिलेगा जो कि हमें एंड्रॉइड 9 में हमेशा देखने को मिलता था। जब भी हम फोन उठा लेते थे हाथ में तो यहाँ पर फिंगरप्रिंट आइकन देखने को मिलता था, लेकिन इस अपडेट में एक नया चेंज भी मुझे देखने को मिला है फिंगरप्रिंट सेंसर के बारे में। अब जो है ये फोन लॉक है, फिंगरप्रिंट का आइकन भी यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर टच करूंगा तो ये फिंगरप्रिंट अनलॉक हो जाता है। आप देखिए फिंगरप्रिंट आइकन यहाँ पर नहीं है, अगर मैं यहाँ पर टच करता हूँ तो फोन मेरा अनलॉक हो जाता है। तो ये जो है एक नया फीचर समझिए या तो थोड़ा बहुत इसमें चेंजेस समझिए, ये मुझे इस अपडेट में देखने को मिला है। आप भी चेक करके देखिए फोन आपका जब लॉक हो जाता है उसके बाद यहाँ पर अभी आप देख रहे हो ये जो आइकन है दिखाई दे रहा है, लेकिन जब आइकन बंद हो जाएगा उसके बाद जो है फिंगरप्रिंट अनलॉक पहले नहीं होता था। जब तक आइकन दिखता है तब तक ही अनलॉक हो सकता था, अब यहाँ पर आइकन नहीं दिख रहा है। आइकन नहीं दिखने के बाद भी फिंगरप्रिंट जो है वो ये देखिए काम कर रहा है, ये देखिए अभी आइकन नहीं है फिंगरप्रिंट, अगर मैं यहाँ पर टच करता हूँ तो ये अनलॉक हो रहा है। तो ये एक नया चेंज मुझे देखने को मिला है इस एंड्रॉइड 10 के अपडेट में, या तो फिर आप कहिए अप्रैल के अपडेट में। बाकी अगर बात करेंगे तो यहाँ पर सिस्टम में आपको कोई भी नया चेंज देखने को नहीं मिलेगा। जिन्होंने एंड्रॉइड 9 से एंड्रॉइड 10 में अपडेट किया है उनको सिस्टम में चेंज देखने को मिलेगा, लेकिन जिनका ऑलरेडी है एंड्रॉइड 10 में तो उनको नया चेंज देखने को नहीं मिलेगा। अगर हम बात करेंगे इसके सेटिंग्स के बारे में तो सेटिंग में अभी भी यहाँ पर जो है कस्टमाइज योर MIUI 3 ये जो नोट हमें देखने को मिल रही है ये अभी भी यहाँ से नहीं हटी है, जो कि मैंने मेरे पिछले वीडियो में भी आपको कहा था कि ये जो नोट है यहाँ पर चिपकी हुई है ये यहाँ से नहीं जा रही है। तो ये जो है ये एक जो समझो प्रॉब्लम समझिए और कुछ भी समझिए तो ये अभी भी यहाँ पर ये सॉल्व नहीं हुआ है, इसका सॉल्यूशन नहीं मिला है हमें। यहाँ पर हमें ये नोट देखने को मिल रही है कि आप वॉलपेपर सेट कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए, इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन ये ऐसा ही है। अगर बैटरी की बात करूं तो ये जो अप्रैल का अपडेट आया है इसमें तो इसमें मुझे बैटरी ड्रेन ज्यादा मिला है। मैंने काफी अच्छे से फोन को चेक किया है, जो पहले का बैटरी बैकअप मुझे मिल रहा था उससे 1 घंटे का कम स्क्रीन ऑन टाइम इस बार मुझे देखने को मिला है। काफी देर तक मैंने फोन को चेक किया है, 1 घंटे में लगभग 12% के आसपास का जो बैटरी ड्रेन है मुझे इसमें देखने को मिला है, जबकि पहले नहीं मिला था। एंड्रॉइड 10 के बारे में मैंने पहले भी वीडियो बनाए हुए हैं, आप चेक कर सकते हो, उसमें काफी अच्छा मुझे बैटरी बैकअप मिल रहा था, लेकिन इस अपडेट के बाद बैटरी बैकअप मुझे अच्छा नहीं मिल रहा है। बैटरी बैकअप जो है थोड़ा सा कम हो चुका है। आप भी कमेंट्स करके मुझे बताइए आपके फोन में क्या क्या प्रॉब्लम्स नजर आ रही है आपको, और आपने फ्रेश एंड्रॉइड 10 का अपडेट किया है या पहले ही आपको मिला था और उसके बाद फिर से आपने ये अपडेट किया है, मुझे कमेंट्स करके आप जरूर बताइए। जिन लोगों का फोन जो है एंड्रॉइड 9 पे रन कर रहा था उन्हें बग्स देखने को मिलेंगे। सबसे पहला बग जो था
वो आपको देखने को मिलेगा फिंगरप्रिंट सेंसर का। आप अगर एंड्रॉइड 9 पे थे और एंड्रॉइड 10 में आपने अभी ये अपडेट कर लिया है, तो आप देखेंगे आपका फिंगरप्रिंट सेंसर जो है काम नहीं करेगा सही तरीके से। जब मैंने इसे अपडेट कर लिया तो मेरे जो दो फिंगरप्रिंट सेंसर मैंने इसमें ऐड करके रखे थे, तो उसमें से दोनों भी गायब हो गए। मुझे फिर से इसमें फिंगरप्रिंट सेंसर ऐड करना पड़ा, फिंगरप्रिंट जो है वो ऐड करने पड़े, उसके बाद ये काम कर रहा है। और काम का जो इसका नया फीचर है या कुछ भी समझिए, आप यहाँ पर आप देख सकते हो आइकन शो नहीं कर रहा है। अगर आइकन शो कराना है आपको तो स्क्रीन पर एक बार टच करना होगा, तब आइकन यहाँ पर आता है। और वैसे भी अगर मैं ये यहीं पर टच कर दूं तो भी फिंगरप्रिंट जो है अनलॉक हो रहा है। तो ये एक ही नया चेंज मुझे देखने को इसमें मिला है। कैमरा की बात करूंगा तो कैमरा अभी भी सही नहीं है, फ्लिकरिंग का प्रॉब्लम मेरे फोन में आ रहा है। फ्रंट फेसिंग कैमरा जो है, वीडियो शूट करता हूँ तो फ्लिकरिंग मुझे नजर आती है, और जो सेल्फी है उसके बारे में कुछ नहीं कहूंगा, कोई ज्यादा इम्प्रूवमेंट उसमें नहीं है। बैक कैमरा ठीक ठाक वर्क कर रहा है। और बैटरी हीटिंग या तो फोन हीटिंग की बात करेंगे तो चार्जिंग के टाइम पे ज्यादा हीट कर रहा है, और बाकी अगर नॉर्मली यूज करते हैं तो फोन हीटिंग नहीं है, लेकिन अगर चार्जिंग को रखते हैं तो फोन काफी ज्यादा हीट हो रहा है। नेटवर्क फिलहाल तो स्टेबल देखने को मिल रहा है मुझे, कोई प्रॉब्लम नहीं नजर आई है। आप भी कमेंट्स करके मुझे जरूर बताइए, अगर आपने एंड्रॉइड 10 अपडेट कर लिया है अपने फोन में, आपको कौन कौन से नए बग्स देखने को मिले हैं। ये जो एंड्रॉइड 10 का अपडेट आज आया, इसमें 5 अप्रैल का सिक्योरिटी अपडेट दिया गया। मुझे लगा था कि ये जो वापस से एंड्रॉइड 10 का अपडेट हमें मिला है 1.33 GB का, तो कुछ नया चेंजेस इसमें देखने को मिलेगा, लेकिन कुछ भी देखने को नहीं मिला। यानी हमें 1.33 GB का सिर्फ अप्रैल का सिक्योरिटी पैच इसमें दे दिया गया है ऑलरेडी, बाकी इसमें कुछ भी नया देखने को नहीं मिला है। आप भी चेक कीजिए आपको क्या नया मिला है, आपका फोन कैसे रन कर रहा है, क्या इम्प्रूवमेंट आपको इस फोन में देखने को मिली है, सारी बातें आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। तो दोस्तों ये था छोटा सा रिव्यू एंड्रॉइड 10 और अप्रैल सिक्योरिटी अपडेट के बारे में Mi A3 का। अगर वीडियो पसंद आती है तो यार लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना। मिलते हैं दोस्तों अगली बार नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।